परम पिता परमात्मा सावन कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है, जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम करके आपदा जश करन दा मौका दिता है। सानू सब नू पता है कि परमात्मा दी भगती बिना असी परमात्मा नू मिल नहीं सकते गे। जिन्ना चिकर असी उस परमात्मा नू मिल नहीं सकते गे, असी जमण मरण दे दुखां तो कदे भी छुटकारा नहीं पा सकते गे। असी आम तौर ते की करते हैं, मन दे मगर लग के परमात्मा दी भगती करते हैं। मन सानू, क्योंकि परमात्मा साडा शरीर दे विच है, मन सानू अंदर शरीर दे दाखल नहीं होण दिंदा, इह सानू बाहर ही बाहर लई फिरदा है। असी मंदरां विच, मस्जिदां विच, गुरद्वारियां विच, गिरजियां विच जो दिन रात चक्कर कढ़ रहे हैं, वह परमात्मा की खोज वास्ते, परमात्मा के मिलन वास्ते कढ़ रहे हैं। लेकिन जिन्हां महात्मा के नाम के उत्ते आपां इह धर्म स्थान बनाए है, हर एक महात्मा ने अपनी लेखनी अंदर जो साडे ते रहम खा के उन्होंने आपदियां लेखनियां, आपदे तजर्बे जाती या उन्होंने सफर का जो रिकॉर्ड सी लिखिया है, किसी विच यह नहीं लिखिया गा कि तुसी इत्थों परमात्मा नूं मिलोगे या ये असली मंदिर है। सब ने यही कहा अगर सच्चे तो सच्चा कोई मंदिर है, ठाकर द्वारा है, गिरजा है, मस्जिद है, वो थोड़ा शरीर है। परमात्मा जद भी मिलेगा ये सच्चे हर मंदिर च जाके ही मिलेगा। आपां आम तौर ते कंकर पत्थर जोड़ के धर्म स्थान बना लैंदे हैं, उहदी बड़ी इज्जत करते हैं, उहदे अंदर धूप दिखाउंदे हैं, उहदे अंदर पैड़ा खोटा कदे ख्याल नहीं आपां उठाउंदे गे। और क्योंकि आपां सोचदे हैं कि परमात्मा दे रहण दी इह जगह है, इहदी सफाई जां इसकी पवित्रता जिहड़ी रखनी वह जरूरी है। लेकिन जो परमात्मा ने सच्चा हरिमंदर बनाया है, जिहदे विच उह खुद बैठा है, जिसनू हिंदू महात्मा नर नारायणी दे कहिंदे है कि नारायण ने खुद बनाई है, खुद ही नारायण इस दे अंदर बैठा है और साडी आत्मा नूं अंदरों ही नारायण होण दा फकर हासिल हो सकता है। गुरु अमरदेव जी महाराज कहिंदे है हर मंदर इहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। जिहड़ी आपां हत्थां पैरां नाल जगह बनाउने हैं उहदी आपां किन्नी सफाई करदे हैं। जिहड़ी परमात्मा ने हर मंदर बना के जिहदे विच बैठा है उहदे विच आपां कदे मीट पाउने हैं, कदे शराब पाउने हैं, कदे पैड़े पैड़े ख्याल इहदे अंदर बैठ के उठाउण लगे पए हैं। कदे इस मंदर दे अंदर आपां बैठ के भैड़े खोटे ख्याल उठाने हैं, किसी नूं कतल करन दीआं स्कीमां बना रहे हुंदे हैं, नफरत नाल एक दूजे नाल आपां इस नूं भर रहे हुंदे हैं। जिन्हां महात्मा दा जाति तजर्बा है उह सानूं प्यार नाल समझाउंदे हैं कि गंदी जगह दे विच किसी बादशाह दे आउण दी उम्मीद करनी इह साडी फजूल दी है। गंदी जगह कुत्ता भी नहीं बैठदा गा, वह भी पूछण ना जगह नूं ठीक कर लैंदा है। वह सचखंड दे रहण वाला प्योर और पवित्र परमात्मा जो है वह साडे किस तरह जिन्हां दे अंदर दया ही नहीं जीवां वास्ते नफरत नाल भरी बैठे हैं, वह किवें साडे अंदर प्रगट हो सकता है। असी सोचदे हां कि परमात्मा जां तो आसमानां विच रहिंदा है या किसी स्वर्ण मंदिर दे विच बैठा है या वह किसी पहाड़ दी चोटी ते बैठा है या असी अपने हत्थां नाल जो ढोलके छैणे मृदंग बनाए है वह खड़काउने हैं कि शायद परमात्मा बोला है, जां उची उची बांगा दे के आवाजा मारदे हैं कि परमात्मा बोला है, शायद साडी आवाज नूं इहो सुनेगा, खड़के नूं देख के जागेगा। कबीर साहिब कहिंदे है मौलवी उची उची बांग दे रहा सीगा, कहन लगे कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, ता चढ़ मुला बांग दे क्या बहरा होया खदाए। मुला मनारे क्या चढ़े साई न बहरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही भीतर जोए। साडा इतिहास उवा है कि मस्जिद दे नां दे उत्ते तुसी देख लो किन्नी असी नफरत फैलाई हुई है और किस तरह एक समाज दूसरे नूं कतल करन ते तुलिया बैठा हुंदा है, एक दूसरे दे धर्म स्थान नूं ढाउण ते तुलिया हुंदा है, एक दूसरे दे धर्म स्थान नाल
निंदा करता है, नफरत करता है। कबीर साहब कहते हैं, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मर्त है, मरम न दोहूं जाना। जो महात्मा अंदर गए, अखा नाल उस ताकत नू देखिया, जो रमी हुई ताकत है उसनू राम कह दिता, जो रहम करन वाली चीज खुदा है उसनू उन्होंने रहमान कह दिता। महाराज सावण सिंह मिसाल दे के समझाते होंगे सीगे, एक पंजाबी सी एक पाकिस्तान दा सी, दोनों ने सीर करके खेती करी। जब बीजन का टाइम आया वो दोने झगड़ा करन, एक कहन लग्या भई मैं ता कणक बीजूंगा, दूसरा कहन लग्या हम तो भी गंधक बीजेंगे। तो दोने झगड़ रहे सी, तीसरा कोई सियाणा आदमी उन्होंने पास आया कि प्यारे हो तुसी झगड़दे कादे पिछे हो, तुसी आपो अपना बीज लियाओ, क्योंकि वह दोनों की भाषा जानता सीगा। जब बीज लियाए वह दोनों का इको ही सीगा बीज, वो कहन लग्या तुसी भाषा दे विच भेद पास समझते हो, चीज इको ही बीजना चाहते हो कणक, लेकिन ओदी भाषा जिहड़ी है वह होर है, तेरी होर है। इस तरह संत महात्मा सानू कहिंदे है जिहड़ा वह राम है सब च रमिया होया, जिहड़ा रहमान है सब ते रहम करन वाला है, तुसी उस ताकत नू जाके मिलो ता कि तुहाडा झगड़ा ना रहे। तुसी लफ्जां पिछे एक दूसरे दे खून दे प्यासे होए बैठे हो, जिन्ना महात्मा ने खोज की है वह सानू प्यार नाल समझाउंदे आ कि ए जिंदे मंदिर दे अंदर, जिंदे टेंपल दे अंदर किस तरह असी दाखिल होना है, क्योंकि साढ़े इस मंदिर दियां दो मंजिलां हन, एक अखा तकर है एक अखा तो उपर है। साडा जिहड़ा सफर है रूहानियत दा वह पैरां दे तलियां तो शुरू हुंदा है और सिर दी चोटी ते जाके मुकम्मल हुंदा है। मुसलमानां दे अंदर आम रवायत है कि जो एक बारी मक्के दा हज कर लवे ओदी बंदगी पूरी हो जाती है, भगती पूरी हो जाती है। लेकिन जदों शेख तकी हज करके वापस जाता है, हाथरस दे अंदर तुलसी साहब दे नाल मिलाप होया, ओदे उच्चे पाग सी उन्हां दे आश्रम दे अगे उन्होंने आपदा खेमा लाया, तो तुलसी साहब ने उस नूं बड़े प्यार दे नाल समझाया कि देख प्यारिया यात्रा करया है, अच्छी है, लेकिन असली जिहड़ी यात्रा है जिहड़ा हज है तेरा वह पैरां दे तलां तों शुरू होके सिर दी चोटी दे जाके मुकम्मल हुंदा है, और जिथे खुदा नूं बिठाउणा है वह जगह जो दोनों अखां दे दरम्यान है, तीसरा तिल है जिस जगह दा साडी सोचण दे नाल बड़ा गहरा तलक है, उस जगह नूं साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। तुलसी साहब कहंदे है, गैर मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकन दुख उठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे भी ज्यादे हफ्स, दसो कहाँ है टिकाना इसके टिकाने के लिए। कुदरती कावे की महराब में सुन गौर से, आ रही सदा तेरे बुलाने के लिए। तो आप प्यार ना कहंदे है कि देख भी प्यारिया, सब तो पहला उना महात्मा नू मिल जिन्हां दा जाति तजर्बा है, ओ तेनू अपना कमाया होया सिमरन देणगे, ओ सुनाया सुनाया नहीं दिंदेगे। इस वास्ते जदों तू ना दसी हुई जुगती मुताबक सिमरन करेगा दोनों अखां दे दरम्यान अपने ख्याल नू रख के, और वह सचखंड तो आवाज उठ रही है उन्हों तू गौर ना सुन, जब सुनेगा वो तेन उत्थे ले जाएगी जिथों आवाज आ रही है। जो असी उस प्रकाश और आवाज दे नाल जुड़ जाने हैं, साडा जिहड़ा मन है हिरन की तरह पटकाउंदा फिरदा है, इहनूं शांति आ जाती है, सबर आ जाता है। महाराज सावण सिंह ध्यान ते बड़ा जोर दिंदे हुंदे सीगे, महाराज कृपाल ध्यान ते इन्ना जोर नहीं दिंदे हुंदे सन। इहदा मतलब यह नहीं सी कि उहनां दी सिक्ख्या अलग अलग सीगी, लेकिन हर संत दा समझाउण दा आपो अपना तरीका हुंदा है, क्योंकि महाराज कृपाल बड़े प्यार नाल समझाउंदे हुंदे सीगे। जदों तुसीं दित्ता होया सिमरन याद करोगे,
जिन्हों तुसी याद करते हो, बच्चों याद करते हो, बच्चों की शक्ल अगह अगे आ जाती है, कारोबार नू याद करते हैं, कारोबार अगे ओदी शक्ल बन जाती है, दफ्तर दियां फाइलां याद करते हो, वो दफ्तर दा मकान ही अखां अगे बनना आ जाता है। क्या असी जिन्हों याद करते हो उहदी शक्ल ध्यान अपने आप ही आ जाएगा, जदों असी गुरु का दिता होया सिमरन करते हैं उन्हां दा ध्यान अपने आप ही अंदर साडे टिकन लग जाएगा। साढ़े अंदर दो ताकत है, एक सुन वाली ताकत है, एक देखने वाली है। सुन वाली नु सुरत कहिंदे है, देखने वाली ताकत नु निरत कहिंदे है। इसे नु तुलसी साहब ने कहा सीगा कि जो तुसी तीसरे तिल ते एकागर हो जाने हैं, उपरों सचखंड तो जिहड़ी आवाज आ रही है उहनू तुसी गौर ना सुनो। असी निरत नाल देखदे हैं, सुरत नाल उस आवाज नु पकड़ के जिथों आ रही उत्थे पहुंच जाने हैं। गुरु नानक ने भी कहा थोड़े अंदर जोत है, जोत विचो आवाज आ रही है। अंतर जोत निरंतर बाणी, सच्चे साहिब स्यों लिव लाई। जिन्हां महात्मा ने तजर्बा किया सानू बड़े प्यार नाल दसदे है कि देखो प्यारियो, जिन्ना चिकर असी फैले हुए ख्याल नू नौ द्वारियां च तो कढ के अखां दे पिछे तीसरी अख थर्ड आई ते असी जिन्ना चिकर उहनू एकागर नहीं करदे गए, अस्थूल पड़दा, सूक्ष्म पड़दा, कारण पड़दा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तो उपर नहीं जांदे गए, उहना चिकर ना सुरत जागदी है ना साडी देखण वाली निरत जागदी है। लेकिन शब्द तां सानू हुण भी सुनाई दिंदा है, लेकिन इह शब्द सानू खिचदा नहीं गा, प्रकाश सानू हुण भी दिखाई दिंदा है, लेकिन असी ज्यादे चिर इस नू एकागर नहीं रख सकदे गए। मेरा जाति तजर्बा है, 8-7 घंटे भी प्यारे दुनिया भजन करिए तां भी दुनिया का जिहड़ा सारा दिन असी कम करते हैं पालड़ा भारी रहिंदा है। उहदा कारण की है कि असी सिमरन दे उत्ते जोर नहीं दिंदे गे, सिमरन दी महानता दा सानू ग्यान नहीं गा, नहीं तां असी हवाई जहाज सफर करते हैं, गल्लां करते हैं, बस सफर करते हैं, कार चलाउने हैं, असी आसानी नाल अपना सिमरन कर सकते हैं। जदों साडी सिमरन की इन्नी बिल पावर हो जाती है, जब भी असी अभ्यास से बैठांगे सानू ना घंटा ना 2 घंटे ना 10 मिनट भी नहीं लगते गे एकागर होने ते, और उस शब्द नू पकड़ के उपर जाण दे। अख बंद करी, शब्द पकड़िया, अंदर गए, खोली ते बाहर आ गए। लेकिन सानू अभ्यास की महानता का ज्ञान नहीं गा, कोई भी संत सानू अभ्यास दे विच पसा के कुछ नहीं हुंदा गा, वो तो कहिंदा भी आओ करो और देखो। लेकिन जब असी जाण वास्ते तैयार नहीं हुंदे गए, फिर संत महात्मा सानू दुनियावी मसालां दे के समझाउंदे है भी कम से कम इन्हां दे अंदर ए नहीं तो ये मसाल लैके ये अंदर जाणदा, इन्हां दे अंदर शौक होएगा, तड़प होएगी, ये मेरे बैठे बैठे आपदे जीवन नू पवित्र बना लैण, जो मैं सबक इन्हां नू दस्या है इस नू ही याद कर लैण। हाँ भाई, दादू साहब की बाणी दोहे संतां दी बाणी पन्ना नंबर 243। साई सत संतोख दे पाव भगत विश्वास, साई सत संतोख दे पाव भगत विश्वास, सिद्क सबूरी साच दे मांगे दादू दास। दादू दयाल दी बाणी है। दादू दयाल बड़े कमाई वाले महात्मा होए हैं, बड़े निम्रता दे पुंज होए है। मैं इन्हां दी कहानी कई बारी दसदा हुंना है कि किन्नी इन्हां विच निम्रता सी। इन्हां दे पास 2 पंडित दीक्षा लैण वास्ते गए, अगे दादू दयाल जी बाहर जा रहे सीगे। आम तौर ते इन्हां दा सिर मुन्या हुंदा सीगा, हिंदू धर्म दे अंदर अगर कोई इस तरह मोना आदमी अगो मिल जावे तो बदशगन मनते सीगे।
उन्होंने कहा आप संतां दे दर्शनां नूं जाना सीगा, ये आपां नूं कौन मन अगों मिल गया है, आपां प्राश्चित कर लैने हैं। उन्होंने उस दे सिर विच ठोला मार के कहा, अरे दादू का डेरा कहाँ है। वो महात्मा बड़े निम्रता वाले सी, उन्होंने इशारा किया कि ये उन्हां दा ही डेरा है। अगे जाके उन्होंने प्रेमिया ने पूछा कि भी असी दादू दयाल दे दर्शन करने हैं, सत्संग सुनना है। वो कह लगे भी हुणे आके वो सत्संग करनगे। वो पंडित भी दोने बैठे इंतजार करते सी। जदों उन्होंने देखा जिस दे सिर विच ठोले लाए सीगे वो ही दादू दयाल सी, शर्माउण लगे। दादू दयाल बड़े निम्रता वाले सी, सत्संग दे विच वी कहण लगे भी देखो प्यारे हो, अगर दो पैसे दी आपां हांडी लैने हैं उस नूं भी खड़का के देख लेना, कोई ऐ वाली बात नहीं हुंदी गी। गुरु दा मसला तां बहुत ही पेचीदा हुंदा है, क्योंकि मसला साडी आत्मा दा हुंदा है। ये कहानी महाराज सावण सिंह सुना के बड़े हसदे हुंदे सीगे कि ये नहीं कि असी सारे गुरु दे सिर च इस तरह उंगला मारदे रहिए, उहदा सिर पन्नीए। महात्मा दी जिहड़ी परख है वह है उन्हां दी जिंदगी देखणी कि इन्होंने जिंदगी च कोई 10 साल 20 साल कोई अभ्यास दे लाए है, कोई कुरबानी कीती है, कोई रातां जागे है। ये महात्मा दी परख है। तुसीं संतां दा इतिहास पढ़ के देख लो, कमाई वाले दा, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 11 साल महात्मा ने रातां जागियां, भुखां प्यासां कटियां है। मेरा जाति तजर्बा है कि रंग रलियां माण के खुलदे नहीं पढ़दे, करनी पवे कमाई। प्यारे मेहनत तो बगैर असी जमीन दे नीचों पानी नहीं निकाल सकते। गहरे समुद्र चों आपां मोती निकालना है तां टुबकी लाउणी पैंदी है। इसे तरह महाराज कृपाल रोम शहर की मिसाल दिंदे हुंदे सी कि इक्के दिन ये नहीं बन गया सीगा, इहनूं बणदे नूं मुद्दतां हो गईआं हन। आपां एमए पास करनी है तां 16 साल लगदे है, ये नहीं भी इक्के दिन च जाके बच्चा जिहड़ा है वह एमए पास कर लेगा। प्यारे सुते पए दा कोई पर्दा नहीं खुलदा गा, वह अपने आप नाल धोखा देना है, दुनिया नूं धोखा दिंदे हैं, लेकिन जिहड़ा वह परमात्मा है साडे अंदर बैठा वह धोखा नहीं खांदा गा। तुसी मिस्टर ओबराए की किताब का वह हिस्सा पढ़ के देखो, जिहड़ा भाई सुंदरदास महाराज सावण सिंह का नाम लेवा सीगा, और किस तरह महाराज कृपाल ने बिठा के संगत दे विच ही सारा कुछ उसनूं दिखाया कि झूठे गुरुआं नाल की अंदर हो रहा है, कितने है, और किस तरह उन्हां नूं सजा मिल रही हैं। तो दादू साहब बड़े प्यार नाल कहिंदे है, परमात्मा अगे अरदास करदे है कि हे परमात्मा तू मैनूं संतोख दे, सत संतोख दे, मैं तेथों मंगदा है, मैनूं भगती दा दान दे। गुरु नानक कहिंदे है बिना संतोख ना ही कोई राजा। अगर जिन्ना चिर साढ़े कोल संतोख दा धन नहीं आउंदा गा, चाहे सारी दुनिया दा धन दौलत साढ़े पास आ जावे, सानूं संतोख ही नहीं आउंदा। सिद्ध कसबूरी सांच दे मांगे दादू दास, जीवन माटी हो रहो साई सन्मुख होए। दादू पहले मर रहो पीछे मरे सब कोए। दादू दयाल कहंदे है जिथे मैं है उथे परमात्मा प्रगट नहीं हुंदा गा। तुसी जद गुरु दे सामने जाने हो अपने आप नूं मिट्टी दे तुल समझो, उथे अपनियां शेखियां ना मारो, शेखियां कम नहीं दिंदियां गियां, वो अंतरजामी हुंदा है, सब जानदा है। मैं अपना वाकया जिंदगी दा दसदा हुंना है महाराज कृपाल दी अंतरजामता दे मतलक। एक छोटा जिहा नुक्ता है, ना मैं उन्हां दी कदे निंदा करन वाला सुनिया, ना कदे जिंदगी च वडियाई करन वाला सुनिया, ना मैनूं पता सी कोई संत कृपाल दे नां दा वी है। हाँ बचपने तो मेरे दिल विच याद सी कि हे परमात्मा
तू जिथे किथे है मेरी मदद कर, मैनू दर्शन दे। ए फरियाद ही नहीं सी, मैं अपना बहुत सारा जिंदगी का हिस्सा इस दी प्रैक्टिस दे विच भी लाया। जो बाबा बिशन दास ने दो शब्द का भेद दिता तो प्यारे जो वक्त आया, मैं नहीं कहता कि मेरा किसने नाम परमात्मा कृपाल नूं दसिया। 500 किलोमीटर खुद चल के आया अपनी दया लेके। जद आया तो मैं उसनू ये नहीं पूछया कि तू किस जाति का है, तू कौन है, तेरा नाम की है, कि तू शादीशुदा है या कुआरा है। मैं इतना ही कहा कि मैनू नहीं पता कि मैं थोड़े उत्ते की सवाल करा, क्योंकि मेरा बचपने तो दिल दिमाग खाली है। महाराज हंस के कहन लगे, मैं दिल दिमाग खाली देख के आया है और मेरे पास दिमागी कुश्ती करने वाले बहुत है। तो दादू दयाल कहंदे है, दादू माटी होए रे साई सनमुख जाए, पहले मर रहे आप कहन लगे, एक दिन आखिर मौत ने भी जिंदगी नू ले ही जाना है। महात्मा चतरदास भी कहंदे है, एक दिन जान मौत ले जासी, सज्जन तो ना वारी। दादू पहले मर रहो, पीछे मरे सब कोए, दादू दावा दूर कर, निर्दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी के हाट। दादू दयाल कहन लगे, देख भाई वो परमात्मा एक पंसारी है, ये जीव जितने है ये उदा सौदा है। ये दुनिया ते बड़े बड़े डिक्टेटर राजे महाराजे आए, ये दुनिया नू अपनी बनाउंदे चले गए, अपनी अपनी करदे चले गए, लेकिन ये दुनिया ना किसी दे नाल गई है ना जा ही सकती है। आप कहन लगे, दादू तू ये दावा ना कर, मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरा इतना धन है, इतनी दौलत है, अगर तू करेगा इन विचों तेरा नाल कौन जाएगा। असी की करदे हैं, जो कुछ असी सानू प्राप्त हुंदा साडे कर्मां दे मुताबिक, देण वाले परमात्मा नूं जो कर्मा दा लेखा जोखा भुगता रहा है ओहदा असी शुक्रगुजार नहीं हुंदे। असी कहने साडा है साडा है, लेकिन जद मौत आउंदी है ना साडे शरीर ने साथ जाना है, दुनिया दे समान ने की जाना है। केते सौदा कर गए पंसारी के हाट, दादू दावा आदि का निर्दावा कैसा, दिल की दूर मत दूर कर, सौदा कर ऐसा। आप कहंदे है, जे तू दावा करना है तो परमात्मा नू पौण दा ही दम वार के हे मालिक तू मैनू मिल, मेरे ते रहम कर। दुनिया दे विच निरदावे हो मैं तो उपर उठ, ओ परमात्मा दे नाल जुड़। कहन लगे ए दुबदा कढ दे कि इटालियन है, ए कोलंबियन है, ए अमरीकन है, ए जर्मनी है, हिंदुस्तानी है। ओ प्यारे हो, जदों परमात्मा एक है, ओहदे मिलण दा साधन और तरीका एक है, तो फिर किसे दे नाल भेदभाव कादा है। दिल की दूर मत दूर कर, सौदा कर ऐसा, नाही तां से सब हुआ फिर नाही हो जाए, दादू नाही हो रहो साहिब से लो लाए। ना कोई समान दुनिया दा लेके आया ना लेके जाना है। आप प्यार दे नाल कहंदे है, तुसी उस परमात्मा दे हुकम विच आए हो, परमात्मा नूं अपना बनाओ, उसे दे नाल ही जुड़ जाओ।
कबीर साहब कहते हैं, क्या लैके जन्म लिया, क्या लेकर जाओगे, मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाओगे, ए तन कागज की पुड़िया, पूंद पड़त गल जाओगे, कहत कबीर सुनो पैसा दो, एक नाम बिना पछताओगे। दादू नाही हो रहो साहेब से लो लाए, उपजे बिन से गुण तरे, यह माया का रूप। दादू देखत फिर नहीं, छिन छाया छिन धूप। दादू दयाल बड़ी एक मिसाल दे के समझाउंदे है कि यह संसार जेड़ा है मौत और पैदाइश का है, जेड़ा पैदा होया उन्हें एक दिन संसार नू जरूर छड़ जाना है, चाहे वह कितना चतर है, कितना पढ़िया है, कितना भी वह पीर पकंबर क्यों नहीं गा। आप कहन लगे दुनिया दे विच थिर कुछ भी नहीं गा, जिवें दरख्त दी छां सुबह इस पासे है, शाम नू इस पासे है। दादू देखत थिर नहीं, छिन छाया छिन धूप। बिपत पली गुर संग में, कायक सोटी दुख। नाम बिना किस काम के, दादू संपत सुख। दादू दयाल बड़े प्यार ना सानू समझाउंदे है कि प्यारे हो, थानू गुरु ने नाम दिता है, पासपोर्ट देता है, जमण मरण तो बरी कर देता है। अगर ओदे साथ थानू कोई कष्ट भी आउंदा है, ओ भी स्वर्गां दी बादशाही तो चंगा है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज नू जो दिल्ली दे चांदनी चौक दे अंदर शरा दे कैदियां ने धर्म दे नां उत्ते कतल कीता, उस वेले पंज सिख उन्हां दे नाल सन जिहड़े कैद होए। उन्हां नू उस वक्त दी हुकूमत ने बड़े लालच दिते, जद ओ लालच विच ना आए उन्हां नू बड़े ही तसीहे दिते, तसीहे दिते कि तुसी अगर ये दे विच कोई ताकत है थोड़ा गुरु फिर बचा क्यों नहीं सकता गा, ये पिंजरे च क्यों कैद है, ये क्यों नहीं छुटता गा। भाई मती दास नू जदों कहा, भाई मती दास कहण लग्या भी तुसी आपदा वक्त क्यों खराब करदे हो, सानू पता है जो कुछ ये है। कहण लगे कि तेनू आरा लिया के रख दिता, तेनू आरे नाल चीरांगे। वो कहन लग्या जे तुसी मेरे ते ज्यादे कोई रहम करदे हो तो मेरा जेड़ा मुंह है वो मेरे गुरु दे पिंजरे दी तरफ ही होवे। हुण तुसी देख सकदे हो इस तरह भाई मती दास जी जेड़ा ओदी खोपड़ी ला दे, भाई मती दास जी जेड़ा ओदी खोपड़ी ला दित्ती रंबी दे नाल, इस तरह भाई मती दास दे भाई मनी सिंह दे बंद बंद हरेक ही बंद उहदा अलग अलग कीता सीगा, लेकिन उन्होंने एक पासे गुरु सीगा, एक पासे वो हुकूमत सी, एक पासे शरीर नू कष्ट सी, शरीर दा कष्ट जिहड़ा सीगा वो चल लिया, लेकिन गुरु दा उपकार जिहड़ा सीगा कि नाम तो बगैर दुनिया दे विच कोई चीज पाएदार नहीं, अगर जान वाला साथ तो वह नाम ही है। औरंगजेब कोल हुकूमत सी, गुरु तेग बहादुर कोले सबर सी संतोख सी, सिखा कोले सबर संतोख सी। औरंगाबाद दे अंदर औरंगजेब दा मकबरा है, उत्थे कबूतरां दीआं बिठां पईआं हन, कोई झाड़ू देण वाला भी नहीं, या बांदरां और लंगूरां दी टट्टी पई है उत्थे। लेकिन जिन्हां ने नाम जपिया, गुरु नाल प्यार कीता, नाम दी महिमा ओ हुकूमत मिटा नहीं सकी, उत्थे धर्म स्थान बनया है, लोग पैर धो के उपर जाते हैं, सारा दिन उत्थे लोग मत्थे टेकते हैं, आपदे उच्चे भाग समझते हैं जिहड़े उत्थे यात्रा कर लेंदे हैं। नाम दी महिमा ना कोई संसार च घटा सकता है और अगे इस नूं ना अग साड़ सकती है, ना चोर चुरा सकता है, ना ठगी ठगी मार सकता है। महात्मा चरणदास जी कहिंदे है, हाथी घोड़ा
धन कणा चंद्रमुखी बहु नार नाम बिना जम लोक में पावत कष्ट हजार। नाम बिना किस काम के दादू संपत सुख क्या मुख ले हंस बोलिए दादू दी जय रोए जन्म अमोलक आपना चला अकारथ खोए। दादू दयाल साढ़े ते रहम कर दे है आप प्यार ना कहंदे है मैं की संसार दे विच आके हसा की दुनिया दी हालत है अमोलक जन्म परमात्मा ने बड़े पुन्ना दा अनाम दिता सीगा ते असी विशे बकारां दे विच इस नूं खो के चले जाने हैं। दादू दयाल कहंदे है कि मैनू दुनिया दी हालत दे देख के रोना आउंदा है कि परमात्मा अंदर है ओनू मिलदे नहीं किस तरह छिन पंगर सुखा नू देख के ए मस्त होए बैठे है लेकिन इन्हां नू ए नहीं पता के सुख दा आखर नतीजा की निकलेगा। गुरु अमरदेव जी महाराज कहंदे आ नाम वसार चले अन मार्ग अंत काल पछताई है। दादू दयाल ने थोड़े जे शब्द दे अंदर बड़े प्यार नाल समझाया कि जिन्हां लोकां ने नाम जपया है उन्हां दे उच्चे भाग है क्योंकि नाम ही साडे साथ जाना है नाम तो बगैर संतोख नहीं आउंदा बगैर संतोख ते कितना भी दुनिया दा धन दौलत होवे सानू सबर नहीं आउंदा गा रज नहीं आउंदा गा। स्वामी जी महाराज कहंदे आ कि भगती करनी कोई आपा किसी दे जुम्मे आसान नहीं करना वो अपने ते दया करनी है। कहण लगे अपने जीव दी दया पालो चौरासी का फेर बचालो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे आ अठ सठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान क्योंकि जेड़ा अपने ते दया करेगा उस ते परमात्मा दया करेगा जेड़ा अपने ते दया नहीं करदा उस ते परमात्मा किवें करेगा। गुरु नानक साहब कहंदे निरदया ना ही जोत उजाला ओदे अंदर शब्द दा प्रकाश ही नहीं हुंदा गा जेड़ा आदमी दया नहीं करदा गा। दया दा भाव इस संत लैके सानू नामदान तो पहला कहंदे है कि देखो प्यारियो नशे जेड़े है ये थोड़े दिमाग ते बुरा असर पाउणगे सोचण शक्ति कम हो जाएगी थोड़ी सेहत खराब हो जाएगी और परमात्मा भेड़ च भी है बकरी च भी है गऊ च भी है सब कासे जो परमात्मा है तुसी अगर उन्हां जीवां ते दया नहीं कर देगे थोड़े अंदर प्रकाश नहीं होएगा तो ये भजन विच तरक्की नहीं कर सकोगे। इसे वास्ते संत जेड़े ला लाउंदे है कि भाई मीट नहीं खाना शराब नहीं पीनीगी और सानू इन्हां चीजां ते सख्ती नाल पालन करना चाहिए। एक सत्संग के अंदर मैंने ये सुना था कि गुरु का या संत का मौत के फरिश्ते के साथ में वार्तालाप होता है। तो जो मौत के फरिश्ते होते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया होता है जिसकी वजह से उनको वो काम मिलता है और उनको वो मौत के फरिश्ते वाली देह मिलती है। हाँ भाई आप सब नूं पता ही है कि जो कुछ बाहर इत्थे असूल दुनिया दे विच चल रहा है ये अंदर दी नकल है सच्चाई अंदर है। इसे वास्ते संत जोर दिंदे है कि अंदर जाके देखो। महात्मा पीपा ने भी कहा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै। अस्थूल दुनिया दे मुकाबले सूक्ष्म दुनिया साफ है इथो नालों उथे सच्चाई ज्यादा है लेकिन वो भी खास
जिस तरह स्थूल दुनिया च मौत दा वक्त मकर है, इस तरह उथे भी टाइम मकर है। इथे उमरां छोटियां हन, उथे बड़ियां लम्मियां हन। अगर इतिहास दे सबूत कीते जान कि कितनी बर्मा दी उम्र है, कितने दुनिया दे युग लंघदे है, ते जद उहदा एक दिन बीतदा है, किन्नी विष्णु दी है, कितनी जाके शिवा दी है, इस तरह हर फरिश्ते दी या इंद्र दा राज दी किन्नी अवधि हुंदी है, जो देवतियां दा फरिश्तियां दा बादशाह। मौत और पैदाइश सूक्ष्म देश विच ही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पंज डाकू सूक्ष्म रूप विच भी उत्थे हर एक दे मगर लगे हुए है, जलील करदे है। इस तरह सूक्ष्म नालों कारण दुनिया साफ है, इस नालों भी ज्यादा हो अच्छी है, लेकिन मौत पैदाइश उस जगह भी है, क्योंकि संत मत नाल एदा कोई कनेक्शन नहीं हुंदा गा। ये हिसाब किताब रिखियां मुनियां दे हुंदे है, क्योंकि उन्हां लोकां दी इथो तक ही ब्रह्म तक ही पहुंच हुंदी है, क्योंकि संतां ने ना तो कोई स्वर्गां नूं अहमियत दित्ती है, नरकां नूं। कबीर साहब कहिंदे आ, क्या संत क्या नरक क्या स्वर्ग, संतन दो परादे, ये दोने रदे हुए है। हम काहून की कान ना कढ दे अपने गुर प्रसाद दे, संगी नू हदायत हुंदी है, गुरु साथ हुंदा है, इना मंडला विच रुकण नहीं दिंदा, वो इनू अगे ले जांदा है। ये त्रिलोकी तक राज काल दा है, ये सारे फरिश्ते काल दे राज विच है, काल दे ही ये नवेंदे है, अवधि पाके इना दी भी ड्यूटी बदल जांदी है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है इना वास्ते, काल पाए बर्मा बपतारा, काल पाए शिवजी अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, एक काल का खेल है। इन्हां फरिश्तियां या देवतियां दीयां कहानियां तुसी अनुराग सागर नूं पढ़ के तसल्ली कर सकते हैं कि इन्हां दी की ड्यूटी है, ये की करते हैं। हिंदुस्तान दे अंदर इन्हां ही देवी देवतियां दी हिंदुआं ने टेक बन्नी है, ज्यादातर इन्हां दीयां ही मूर्तियां मंदरां विच रखियां होईयां हन। और संत मत की तरफ ना वो खुद आउंदे है, ना कोई उन्हां नूं दिलचस्पी हुंदी है, ना किसी नूं आउण वास्ते ही वो प्रेरदे है। वो कहिंदे बर्मा तो शिवा तो कौन वड्डा हो सकता है, लेकिन जे उन्हां नूं पुछिए कि कद बर्मा होया कद शिव होए, इस दा कोई जवाब नहीं गा। तुसी जिस तरह हिंदुस्तान दे विच आए हो या मैं तुहाडे मुल्क जावां, तो जिहड़े हर मुल्क दे राजदूत मुकर्र कीते है उन्हां तो वीजा लेना बड़ा जरूरी हुंदा है, उन्हां नाल सानू मिलाप करना पैंदा है, मिलाप करके असीं एक दूसरे दे मुल्क विच आ जा सकते हैं। सानू ये भी पता है कि जो राजदूत गौरमेंट किसी मुल्क दे विच फिट करदे है, वो उत्थों दी गौरमेंट दा खास बंदा हुंदा है, उन्हां दा अतवारिया हुंदा है। तो काल दे ए फरिश्ते नुमाइंदे हुंदे है, हर जीव दा इन्हां नूं हुक्म है कि हिसाब रखना है। इन्हां दी किसे नाल रायत नहीं, किसे नाल दुश्मनी नहीं, जैसा कोई करदा है इन्हां नूं ओह भुगतान करन वास्ते हुक्म हुंदा है। जिस तरह हर एक राजदूत आपो अपनियां रिपोर्टां आपदी गौरमेंट नूं भेजदे है, ओह एक रजिस्टर विच सब कुछ दर्ज हुंदा रहिंदा है। इसे तरह इन्हां तों सारा सिरोमणी जो देवता है जिहनूं धर्मराज करके लिखिया जांदा है, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇ ਵੈਸਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੜਾ ਉਸ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਪਾਸ ਆਵੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, उसका किन्ना आदर करता है, किन्ना उहदे नाल प्यार करता है, ऐसा ही अंदर नकल बनाई हुई है। तो काल ने जब सतपुरश तो आत्मा सेवा ते खुश करके मंग लिया, उन्हें दे दितियां, इन्हें अगे तन मन का पिंजरा अख्तियार कर लिया, चाहे हुण असीं स्वर्गां च है, चाहे नरकां च है, चाहे नरदेही विच हैं, तन मन का पिंजरा साढ़े वास्ते है। जिथे पिंजरा है नाल मन है, जिथे मन है उत्थे शांति नहीं,
जिथे तान है उथे दुख है परेशानियां हैं। जब मैं पहले टूर ते गाना गया सीगा जो हिंदुस्तान दा उथे राजदूत सीगा उस संगत भी आउंदा रहा, सानू उसने अपने घर अंदर भी बुलाया, चाह पानी का इंतजाम किया, काफी प्यार दिखाया। हुण तुसी देख सकते हो कि अगर कोई उहदे कोले सिफारिश करनी होवे तो दुनियावी बंदा भी सिफारिश मन लैंदा है। उहदे अंदर प्यार की सी कि उधर उधरी साडी जान पछाण सी भी इह हिंदुस्तान दे साडे संत है, सानू इह सीगा भी साडे हिंदुस्तान दा राजदूत है। इन्ना कुछ दुनियावी मसालां देण नाल मैं आशा करदा हुण तुहानू इहदा सवाल दा जवाब आसान हो जाएगा समझना। सब तो पहला तो मन की ड्यूटी है कि कोई भी आत्मा नाम भगती की तरफ ना आवे तो मन नाम भगती की तरफ आउण ही नहीं दिंदा गा। अनेक भरम वहम वो अंदर पाउंदा है, हमेशा परेशान करदा है। अगर आ भी जाता है तो असी जब अस्थूल दुनिया छड के अंदर जाने हैं, अगर पूरा गुरु ना होवे ते सूक्ष्म दे विच जाके जिन्हों तुसी फरिश्ते कहने हो देवते कहने हो ये भी उत्थे पूरी रुकावट पाउंदे है कि तू गाहां की लैण जाना है। तो प्यारे प्यारे हो ये काल दीआं शक्तियां लालच भी दिंदियां अंदर गई आत्मा नूं, डराउंदियां भी हन। इस जगह का कबीर साहब ने जिक्र किया, डाकनी साकनी बहु कलकार, इत्थे काल दीआं शक्तियां ललकार दीआं हन, भयानक रूप धार के भी कई दफा सेवक नूं डराउंदियां हन। तो कबीर साहब कहिंदे आ सत नाम सुन भागे सारे, ऐसा पुरश दरबारा। कहिण लगी ओ सेवक पहली तां गल आ कि हर टाइम गुरु नाल है, नहीं तां जदे सिमरन करदा है उस ते तो सतगुरु आ हाजिर हुंदा है। उस शब्द दा नाम सिमरन दी बड़ी शक्ति हुंदी है। तो गुरु नानक देव जी इत्थे आपदी बाणी विच अगवाई दिंदे आ पहुंचियां आत्मा दी, शब्द सुने ओ दूरे भागे, मत हर जम मारे बेपरवाह है। जो इत्थे संता महात्मा ने परंपरा से चलाया है कि औरत मर्द दे जामे विच मजबूत रहना है, साबत रहना है, ये मर्द वास्ते भी उतना ही है, औरत वास्ते भी उतना ही है कि एक दफा शादी हो जावे उनू तोड़ो नहीं। हर जगह तुसी जाके विशे ना पोगो, ना मर्द नू आ गया ना औरत नू आ गया है। एदी वजह कि जे असी भजन करके अंदर जावांगे सूक्ष्म देश विच तां उत्थे ये शक्तियां मर्दां नू औरत दा रूप धार के लालच दिंदियां है कि तू गाहां की लैण जाना है, तू देख सानदे भोग भोग साडे नाल, असी तेरी रोज खिदमत करांगे। अगर मर्द है तां उत्थे रुक जांदा है और अगे तरक्की बंद हो जाती है। अगर औरत है तो उस नूरी अच्छे मर्द मिलते है, वो भी यही कहनिया तेन बादशाह बना देंगिया, तू गां जाके की लेना है। तो संत इसे वास्ते पतिवरता धर्म के उत्ते जोर देंदे है कि जिदा इत्थे क्रेडिट अच्छा नहीं वो अगे जाके फेल हो जाता है। तुसी विश्वामित्र की कहानी पढ़ते हुए हैं, विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी महाराज का बड़ा शक्तिशाली जनरल सी, कमांडर इन चीफ सी। उसने बड़ा सख्त तप किया, 7000 बरस ओदी स्वर्गां तक रसाई सी। जब स्वर्गां दे विच गया उत्थे उर्वशी परी ने उसनू ठग लिया, संकुंदना पैदा हो गई। पहला तो शहरां दे विच नाटक ही करदे सीगे, अजकल तां ओदी फिल्म भी बना दिती है कि किस तरह विश्वामित्र दा तप सी जिहड़ा ओह भंग होया एक संकुंतला परी दे उत्ते। तो हुण तुसी देख सकदे हो कि किस तरह रिखियां मनियां ने जो स्वर्गां तक पहुंचे सी, उत्थे सूक्ष्म भोगां ने, स्वर्गां दे भोगां ने उहनां नूं गुरा दित्ता। इसे तरह यह नाम दी नाम भगती तरफों हर जीव नूं पिछे करदे है। अगर कोई सत्संगी नाम लेके बुरियाई करदा है, बुरे काम करदा है, एक सच्चाई है, उस वक्त
गुरु नु दिखाउंदा है कि आ देख जी नु तू नाम दिता है ते किड्डा पता है कि ये नाम दे काबिल सीगा तू इस तो आपदा नाम वापस ले ला क्योंकि जीव दे सज्जे पासे शब्द रूप गुरु बैठा है खब्बे पासे काल बैठा है और इसे जगह इन्हां दी वार्तालाप हुंदी है और वो सारा कुछ दसदा है लेकिन संतां दा इह कायदा है जिहड़ी चीज एक बारी दे दिंदे है जीव नूं वो वापस नहीं लैंदे गे लेकिन तुहानूं पता है कि अगर किसी पिता नूं किसी दा पुत बदमाशी करे कोई उस नूं अलांबा देवे कि वी तेरा पुत किड्डा बदमाश है तू इस नूं घरों कढ दे सियाणा पिता मयूसता हुंदा है कि मेरे पुत ने चंगा नहीं कीता गा बेशक ओहदी हरकत ते खुश भी नहीं हुंदा गा लेकिन फिर भी करे कढ़न वास्ते वो तैयार नहीं हुंदा गा वो कहिंदा नहीं मैं समझा लूंगा इसे तरह गुरु भी अंदर काल शक्ति नूं यही कहिंदा नहीं मैं इहनूं समझाऊंगा ये ठीक बन जाएगा जेडे आले दर्जे दे सत्संगी बाहर भी हन उन्हां नूं पता है कि किस तरह संतां नूं बाहर भी सेवकां दीआं गलतियां दीआं लोक ताना मारदे है ते देख भी इह सत्संगी भी बणिआ संतां दा नाम लेवा भी है लेकिन ये बरियाई फिर भी नहीं छड़ रहा हुंदा गा जिस तरह बाहर बहुत कुछ सुनना पैंदा संतां नूं इसे तरह अंदर जाके भी बहुत कुछ उन्हां नूं सेवक दे मुतलक सुनना पैंदा है इसे नूं महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी कि संत नहीं उड़दे हुंदे गुरु पीर नहीं उड़दे हुंदे उन्हां दे सेवक उड़ाउंदे है जिन्ने सेवक चंगे होणगे उन्नी ही गुरु दी ज्यादे नाम चमकेगा और उन्नी ज्यादे उसकी मानता होएगी जो व्यास दे जरिए जिंदे जी अंदर जाते हैं उन्हां नूं पता है कि किस तरह एक एक रूप पिछे सतगुरु काल दे नाल झगड़दा है और किस तरह उसनूं छड़ा के ले जांदा है सही करदा है। तो महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे करजा उन्हें लेना है चाहे गुरु देवे चाहे सिख देवे फिर वह कहिंदे हुंदे सीगे कि एक पाई छ दी रहत नहीं करदा गा और ये भी उन्हों अख्तियार हुंदा है कि उहदा की वजाना लवे वो सब कुछ संतां नूं तारना पैंदा है। अगर असीं जींदे जी नहीं उपर जांदे गे तो सतगुरु आखरी वक्त आत्मा नूं इत्थे जाके ही अंदर तीसरे तल ते ही वह संभालदा है थोड़ी जी उपर गई आत्मा नूं वह संभाल लैंदा है अगर इत्थे नहीं संभाले तो अंड दे विच जाके संभाल लैंदा है लेकिन संभाल जरूर अपनी मौज जरूर वरतौंदा है। अगर सत्संगी शांत है उहदे आस पास सत्संगी है तां उह जरूर कुछ ना कुछ घर वालिआं नूं आस पास वालिआं नूं दसदा है। अगर बेसत्संगी पास है या कई दफा बीमारी दे विच उह कोई खास गल नहीं कर सकदा गा लेकिन वो अंदर गुरु जरूर उसे संभाल करता है और जो कुछ वार्तालाप अंदर हुंदी है वो आत्मा सारा कुछ ही देखती है सारा कुछ ही सुनती है। जो साड़ी आर्मी अमृतसर साहब सी उस वक्त का एक वाकया है साड़ा अखी देखा होया महाराज सावन सिंह का एक प्रेमी चोला छड़न लग्या जद वो अखां दे पिछे गया हालांकि सारिया ने कह दिता डॉक्टर ने भी कह दिता बे खत्म हो गया वो तैयारियां करी जाते सीगे वो कोई दो तीन घंटिया बाद फिर शरीर विच आया उसने दसिया कि जब मैं अंदर गया उस जगह एक बहुत सारा बड़ी वड्डी वही लैके बैठा होया सीगा बड़े आकार दा वो बंदा सीगा बड़ा सारा उसने आपदी वही सारी फोली कहण लग्या भी इहदा ते इत्थे हिसाब नहीं ते ना इस नूं तुसी मैं थानू कहा सी कि इहनूं लै के आओ वो तो बंदा होर है। तो कहण दा भाव उसने दस्सिया कि मैं जो कुछ महाराज सावन सिंह कहिंदे आ कि किस तरह पाई पाई दा हिसाब रखिया जांदा है वो मैं सारा कुछ देखिया आ वो सच है। उहनां दिनां च मजीठा रोड ते महाराज सावन सिंह सत्संग देण गए एक सत्संगी चोला छड्डण लग्गिया महाराज दे नाल उहनां दे पाठी सन एक करतार सिंह एक पान सिंह उन्हां नूं कहण लगे तुसीं जाके भी देख के आओ कि सतगुरु आउंदा है
मौत दे वक्त या नहीं आउंदा, वो दोने गए। उन्हें सत्संगी ने वाकई दसिया कि गुरु आया है, असी चले हैं भाई। तो प्यारे हो, अगर गुरु की रसाई नहीं उपर सचखंड दे विच, इन्हों देवत्या नूं कदे मिलिया ही नहीं गा, वो सानू छड़ा के किवें ले जाएगा? नहीं, उहदा इन्हों देवत्या दे नाल संपर्क हुंदा है। इत्थे इसदी बैठक हुंदी है, सज्जे पासे गुरु शब्द रूप बैठा है, खब्बे पासे काल है। जद आत्मा जांदी है अंदर, गुरु आवाज दिंदा है, काल भी आवाज दिंदा है, जिहड़ा तुहानू रोज दस्या जांदा है कि खब्बे पासे दी आवाज सुन नहीं सुननी गी और सज्जे पासे दी सुननी है, तुहाडा रस्ता इस पासे है। तो गुरु जद आवाज दिंदा सज्जे पासों, तो सेवक उसे पासे चलिया जांदा है, गुरु सांभ लैंदा है। जिन्ना आत्मा नाम नहीं मिलिया, गुरु नहीं मिलिया, काल उन्हां इसी जगह सामदा है और जद आवाज दिंदा है, आत्मा उस पासे जांदी है। और तुलसी साहिब इत्थों दा बयान करदे है, काल दाड़ में आए जवानी, तब ठर के नैनन में पानी। गुरु जद आत्मा नूं लैण वास्ते आउंदा है, नूरी स्वरूप हुंदा है, सोहणा हुंदा, प्यारा हुंदा है, आत्मा नूं खुशी हुंदा है, उत्थे काल दा भयानक रूप हुंदा है, मुंह खुला हुंदा है। और जो आत्मा जांदी है, वो अपनियां जड़ां थले चबा जांदा है। जब सचखंड पहुंचे हुए महात्मा दी असीं बाणियां पढ़दे हां, उहनां विच सारे निशान, सारा ही हाल अंदर किस तरह गुरु आके आत्मा नूं सांभदा है, किस तरह काल भी आउंदा है बराबर, और सानू पता लगदा है। उहनां महात्मा दी बाणियां दे अंदर पूरे निशान दित्ते है। सो सानू भी चाहीदा है गुरु की हदायत के मुताबिक अपना भजन सिमरन करिए, गुरु ते भरोसा रखिए। जो हदायत सानू नामदान दे वक्त दसी गई है, उस विधि के मुताबिक सानू भजन सिमरना करना चाहिदा है। गुरु भुल शक्ति हुंदी है, दयावान हुंदा है, वह जरूर अपनी ड्यूटी ते पहुंचदा है। सेवक की भी ड्यूटी है, सेवक नूं भी प्रेम प्यार नाल अपना भजन सिमरन करना चाहिदा है। Angis, Angis, orgullosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos, nuestros corazones sedientos están, de amor, de amor, de amor.